ईंट या ब्लॉक कार्य में प्रयुक्त औजार, उपकरण व एक्सेसरीज। नापने का फीता, इसे दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये फीता 3 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर और 30 मीटर में उपलब्ध है। करणी, आप ब्लॉक लगाते समय करणी की मदद से मसाले को उठा सकते हैं। एक सामान्य करणी का आकार त्रिकोणी होता है, जिसकी लंबाई 11 इंच और चौड़ाई 4 से 8 इंच होती है। निशान लगाने व जोड़ों पर चोट मारने के लिए प्रयुक्त करणी छोटी होती है, जिसकी लंबाई 3 से 6 इंच और चौड़ाई 2 से 3 होती है। लकड़ी, मंगाई या बटकड़ा, प्लास्टर को फिनिश करने के लिए लकड़ी मंगाई बटकड़ा का इस्तेमाल किया जाता है। तारों का ब्रश, कठोर तारों के ब्रश से आप रेवड़ जोड़ों से गंदगी व खुली सामग्री को हटा सकते हैं। लेवल लंबाई से अधिक दूरी तक साहुल या लेवल दूरी तक लेवल को बढ़ाने के लिए स्ट्रेट एच का इस्तेमाल किया जाता है। कंक्रीट मिक्सर, कंक्रीट मिक्सर एक ऐसी मशीन होती है जो भारी मात्रा में सीमेंट, पानी, मोटी रोड़ी और रेत को मिश्रित कर कंक्रीट को प्रयोग के लिए तैयार करती है। मोर्टार बोर्ड व स्टैंड, मसाले को रखने के लिए चकोर बोर्ड होता है। बेलचा, बेलचे से मलबे को हटाया जाता है। व्हील बैरो, विद्युत चालित मशीन के इस्तेमाल के बिना रेत, सीमेंट, मसाला, ईंट या अन्य भवन निर्माण सामग्री को कम मात्रा में आसानी से कार्यस्थल पर पहुंचाने के लिए व्हील बैरो का इस्तेमाल किया जाता है। हॉक या गुरमाला, दीवार पर प्लास्टर लगाने के लिए करनी के साथ साथ हॉक, गुरमाला का इस्तेमाल किया जाता है। जॉइंटर, जैसा कि इसके नाम से ही सूचित होता है कि यह औजार को विभिन्न मसाले जॉइंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसाला जॉइंट के चित्र के आधार कई प्रकार के जॉइंटर गोल, समतल या नुकीले होते हैं। गुनिया, गुनिया को समकोण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्लास्टर करते समय कॉर्नर की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लकड़ी या मेटल से 42 से 48 इंच की लंबाई की लेवल की जाती है। छेनिया बॉल्स्टर, चिनाई की इकाइयों को कई भागों में काटने के लिए छेनी का इस्तेमाल किया जाता है। एक विशेष छेनी की चौड़ाई 2.5 से 4.5 इंच होती है। चिनाई का हथौड़ा, मेसन के हथौड़े का एक सिरे का चौकार फेस और दूसरा सिरा लंबी छेनी का पीन होता है। इसका वजन 1/2 से 3/1/2 पौंड का होता है। इसे चिनाई इकाई को विभाजित करने व तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फावड़ा, खुदाई कार्य के लिए फावड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पिरिट लेवल, संपूर्ण दीवार या सतह की समतलता की जांच करने के लिए स्पिरिट लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। लाइन को चिन्हित करते समय शीट से देखें और सुनिश्चित करें कि हवा का बुलबुला ट्यूब के बीच सेंटर में हो। साहुल, दीवार या कॉलम ऊपरी किनारे से नीचे तक समतलता की जांच करने के लिए साहुल का इस्तेमाल किया जाता है। साहुल को गिराते समय सुनिश्चित करें कि इसकी नोक झुके नहीं। लाइन धागा, नायलन रस्सी की मदद से आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ईंटों को मेसन की लाइन रूप में उचित रूप से संरेखित किया गया है।